नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए कुछ मोटिवेशन पॉइंट लेकर के आई हूँ और इसके साथ साथ आपकी काफी कमेंट था कि मैम आपने तैयारी कैसे की है, कैसे आपने सिलेक्शन लिया हुआ है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा और भी, आप जो अभी लूज पड़े हुए हैं क्योंकि अभी सिलेक्शन अभी जो है डेट नहीं आए हुए एग्जाम की, LT की, TGT की, अदर भी एग्जाम की, तो अभी आप लूज हैं कि अभी जो है डेट आएगी तो तैयारी करेंगे। तो आज इसी के लिए है कि हमें जो है कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम जो है सिलेक्ट हो जाए, हमारी एक सीट मिल जाए हमें, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन आपके लिए है जो आपको खुद करना है कि अपने रास्ते खुद चुनिए। सबसे पहली लाइन है कि अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। ये सब चीजें केवल आप खुद जानते हैं और आपके अलावा सामने वाला को नहीं जान सकता, क्योंकि आपकी क्वालिटी जब दूसरे को आप बताएंगे तभी वो जान सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अपने बारे में आप खुद जानते हैं कि आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर खूबियां हैं, क्या आपके अंदर कमियां हैं। इनको जानने के बाद तब इन पॉइंट को हम आते हैं कि हमारा सिलेक्शन किन किन पॉइंट को हमें ध्यान में रख करके करें कि हो जाए। तो देखिए, बस मैंने केवल 5 पॉइंट लिया है। ये 5 पॉइंट को यदि अपने कंटिन्यूटी में ला दें, अपने मन मस्तिष्क में लगा दें इस चीज़ को, तो जरूर से जरूर आपको सिलेक्शन होगा। तो बारी बारी से इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक लक्ष्य मैंने बना दिया है कि ये आपकी सीढ़ी है और इस सीढ़ी से पहुंचते पहुंचते आप ऊपर तक पहुंचेंगे। शुरुआत आपकी न्यू से है और अंत आपकी एकदम टॉप पर है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से आपको सीढ़ियाँ तय करनी पड़ेगी, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है आपकी कड़ी मेहनत। क्या है कड़ी मेहनत? कड़ी मेहनत आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने परिवार को चला रहे हैं, आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में हैं, कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो कड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत आपका फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, कहीं भी आप सोशल हो सकता है, कोई भी किसी भी क्षेत्र में है। तो ये सबके लिए है ऑल ओवर, ये कि इन सब चीज़ों को हम सोच करके, इसके ऊपर चल करके अपने हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कड़ी मेहनत हो, और वो कड़ी मेहनत किधर जा रहा है, ऐसी मेहनत कर रहे हैं पता लगा आपका क्षेत्र निश्चित नहीं है। तो सबसे पहले क्या है आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। क्या है? एक लक्ष्य होना चाहिए। आप वैसे आपकी इच्छा किस चीज में है, किस चीजों में आपका मन लगता है? पढ़ाई में लगता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई में लगता है, या आपका सोशल वर्क में लगता है, बिजनेस में लगता है, टीचर बनने में लगता है, आदि आदि आपके लक्ष्य अनेक हैं, सोचना आपको है। तो इस लक्ष्य को सबसे पहले आप अपना चुनाव कर लेंगे। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए इन 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या है? कड़ी मेहनत। क्या है? कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत आप जिस लक्ष्य को चुनाव किए हैं, उस लक्ष्य में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नोट्स तैयार होंगे, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है, आदि आदि बातों का यहाँ पर आप मंथन करेंगे। और मंथन करने के बाद उस पे आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे ही आप चलते जाएंगे। ठीक है, ये आपको करना है। और कड़ी मेहनत ऐसा नहीं है कि दिन रात लगे रहो, ऐसा नहीं है। एक टाइम फिक्स होता है कि इतने पीरियड है, कितने घंटे हमारे पास है, इस घंटे में हमें कितने मैनेज करने हैं, क्योंकि हम लोग क्या है अब अपनी तैयारी के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारी है और बच्चों की जिम्मेदारी है, कई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो ये कड़ी मेहनत आपकी और भी ज्यादा दोगुना तिगुना हो जाता है कि कैसे मैनेज करें कि हम सिलेक्शन ले लें, शादी होने के बाद ले लें, और परिवार में रह करके ले लें, कैसे ले, बिना कोचिंग के ले लें। ये सारे पॉइंट आपके मन में जरूर चलते होंगे, जैसे मेरे मन में चलते थे। तो ये जरूर आप अपने मन में मंथन जरूर करिए। वो कड़ी मेहनत आपको जोर से जरूर करना है, जिस भी क्षेत्र में हो, जहां भी हो, जिस परिस्थिति में हो। दूसरा पॉइंट हो निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कि आज तो खूब मेहनत किया, एक हफ्ते आपने खूब मेहनत किया, हम जैसा मैम ने बताया था, जैसे मैंने सोचा था, जैसे किसी की वीडियो देख करके मोटिवेशन लिया था, वैसे हम एक हफ्ते खूब अच्छे से चले, एक हफ्ते से खूब पढ़ाई किए, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका मोटिवेशन क्या होता है, लूज होता जाता है। तो अपने मोटिवेशन को आप लूज मत करिए, क्योंकि देखिए
दो प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक बाह्य होते हैं और एक आंतरिक होते हैं। बाह्य जैसे मैं आपको दे रही हूँ एक्सटर्नल में कि आपको ऐसे करना है, ऐसे बनना है, और इंटरनल मतलब जो आपके अंदर की मोटिवेशन होता है, हमें कुछ बनना है, हमें समाज में करके दिखाना है, ये जो आपके मन में चलता है, ये सबसे ये मेन पॉइंट होता है। यदि आप अंदर से मोटिवेट हैं तो जरूर से जरूर आप सफल होंगे, लेकिन जब किसी के बताए के अनुसार हैं तो बहुत दिन तक नहीं टिकता है। तो सबसे पहले आपका जो मोटिवेशन होना चाहिए वो इंटरनल होना चाहिए। जब इंटरनल मोटिवेशन आपको मिलेगा, मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं इस काम को कर सकती हूँ, कितने भी समय इस तरह से मन में आप किसी चीज चलेंगी तो वो निरंतरता आपकी बनी रहेगी, आपका मोटिवेशन घटेगा नहीं बल्कि वो बना रहेगा, और आपको बार बार अपने मस्तिष्क से पंच करेगा तुमको करना है, कैसे भी करना है करना है। तो ये निरंतरता आपकी बनी रहेगी, और इस निरंतरता को ये दो चीजें आप आ गए तो एक चीज और भी दिमाग में आती रहती है, पेशेंस, कितना दिन तक करें, कैसे करें, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस क्षेत्र में तो आ गए हैं, ये मन में बहुत ही ज्यादा चलता है। लेकिन दोस्तों ये पॉइंट आप जरूर से हमारी याद रखना कि धैर्य आप रखें, और धैर्य के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उस कड़ी मेहनत में निरंतरता बनी हुई है, कंटिन्यूटी बनी है, तो जाहिर सी बात उसमें धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना पड़ेगा। धैर्य नहीं होगा तो आपने जो है मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप इधर उधर भटक जाएंगे। तो आपको ये धैर्य रखना है, किसना भी हो हमने जो लक्ष्य चुना है, चाहे जब मुझे मिलना है, मुझे करना है, इसको मुझे पाना है, जो मैंने अपना एक लक्ष्य चुना हुआ है, इसके लिए धैर्य बनाए रखिए। कर सुनिए सबकी और करें अपने मन की। बहुत लोग बहुत तरीके बात करते हैं, परिवार में भी और समाज में भी, जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ पर भी हर तरीके से आप बात सुनते होंगे, उस बात को सुनने के लिए आपके अंदर सहनशीलता होगी, जब तक नहीं होगी तब तक आप नहीं पा सकते। खुद से रो लीजिए, खुद से कह दीजिए, ईश्वर से कह दीजिए, लेकिन किसी के सामने अपनी चीज़ों को, अपनी समस्याओं को, अपने लक्ष्य को तब तक ना बताइए जब तक आपको मिल ना जाए, ये जरूर याद रखना। क्योंकि यदि आपको सबके पास आपने बता दिया मैं ये करना है, तो यदि आपको नहीं मिलता तो लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। तो इसीलिए किसी अपनी समस्याओं को, अपने लक्ष्य को तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक आपको अपने लक्ष्य ना मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर है लास्ट में साहस। अब देखिए साहस कहाँ से आए, कहाँ से साहस मिलेगा? साहस कोई आपको बाहर वाला नहीं देगा, कोई कितना भी कह ले नहीं मिलेगा आपको साहस। साहस आपको आपके अंदर है, साहस आपको अपने से मिलेगा, अपनी चीजों को सोच करके, चिंता करके नहीं बल्कि चिंतन करके मिलेगा। जब चिंतन करेंगे कैसे करूं, क्या मिलेगा, ये हमारी समस्या है, इसको मैं कैसे दूर करूं, ये सब बातें जब आपके मन में चलती जाएंगी तो उसका हल आपके दिमाग ही आपको देगा कि इसका हल ये है, आपको ऐसे करना है। क्योंकि आपका ईश्वर आपके अंदर बैठा है जो आपको मोटिवेट करता है, आपको बताता रहता है। यदि अच्छे राह में आप चल रहे हैं तो जरूर आपको वो बताता रहेगा, रास्ता बताता जाएगा, ये पॉजिटिव का है और ये निगेटिव का है, सोचना आपको है, करना आपको है, ये आपको मस्तिष्क, आपका हृदय, ये आपकी आत्मा जो है जो आपको अंदर से बताती रहती है, तो आपको ऐसे करना है। तो ये चार पॉइंट हमारे जरूर याद रखना, कड़ी मेहनत, निरंतरता, धैर्य, सहनशीलता और साहस, और आपका एक लक्ष्य है, ये आपको पांचों पॉइंट ध्यान में रखना तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे मैंने लाइन लिखा है कि तैयारी कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए, तो ये पॉइंट है सबसे पहले तैयारी करने की शुरुआत का। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी कि जिस विषय में हूँ, जैसे मैं अपना होम साइंस बताऊंगी कि इस विषय में आप हैं तो कैसे आप करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये आपका एक कमेंट रहता है, मैम अपना नोट्स दीजिए, मैम अपना पीडीएफ दीजिए, तो देखिए हमारा नोट्स, हमारा पीडीएफ, सब कुछ हमारा बोर्ड पे रहता है। ये जो पाए, अगर जिसकी इच्छा होती है वो पाना चाहता है तो यहीं से सब कुछ प्राप्त कर सकता है और अपना नोट्स एक तैयार कर सकता है। और मेरा नोट्स आपका इस तरह से बनेगा जो आप कई किताबों में ढूंढने पे आप बना पाएंगे, वो मैं एक बोर्ड पर लिख देती हूँ। यदि आपने इसको देख के कर लिया, अपने हमारे बोर्ड से देख करके आप नोट्स बना लिया, तो एक बुक भी आप बना देंगे इसी से। तो ये आपको करना है, डीप नॉलेज आपको लेना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये आपके लिए एनफ नोट्स है और सिलेक्शन के लिए भी नोट्स है, क्योंकि मेरा जो तैयारी थी काफी एग्जाम क्रैक करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत सी चीज़ें क्या होती थी कि हम पहले, मेरे दिमाग में पहले ही नहीं पड़ता था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं इसमें क्या लिखूं, एकदम निल थे तब तक कि
जब तक जो है हम पेपर देते रहते थे लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे टॉपिक को तैयार करते गए टॉपिक वाइज तैयार करते गए, तब चीजें जो है हमारे मन में बैठती गई। तो क्या है, पहले कुछ भी नहीं पता था और आज आपको मैं पढ़ा रही हूँ। कैसे पढ़ा रही हूँ, यही हमारी कड़ी मेहनत थी। हमने निरंतरता बनाए रखा, हमने साहस अपना नहीं खोया, हमने धैर्य नहीं खोया और अपना एक लक्ष्य था, मुझे टीचर बनना है और एक अच्छा टीचर बनना है। तो ये हमारा लक्ष्य था, ऐसे ही आपको अपना बनना है। नोट्स आपको, यही हमारा नोट्स है, इसी से आप नोट्स बना सकते हैं। और PDF कहिए कि वही जो किताब मैं आपको देती हूँ उसी किताब की फोटो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँ, बस ये कर सकती हूँ। और इसमें, और वैसे तो किसी का नोट्स से कोई फायदा नहीं होता, मेरी जो राय है अपना नोट्स खुद बनाएं। ये जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसी को आप अपने तरीके से जब लिखेंगे और जब एग्जाम टाइम उसको पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। किसी का बना बनाया पका पकाया नोट्स हम तो कहते हैं आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। लास्ट टाइम जब एग्जाम में आप तैयार करेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। लेकिन यदि आपका अपना बनाया है तो आपको पता है इसमें हमें लास्ट में क्या पढ़ना है, किस चीज को रिविजन करना है, ये आपको खुद जरूर पता होगा। तो ये चीजें आप, यही मेरा नोट्स है और मेरा नोट्स बेस्ट नोट्स है, आप इससे तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरी कई वीडियो आपने देखा होगा जो माँ काफी दिनों से हमसे जुड़े हुए थे और उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया और आज वो जॉब में है। तो आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैं आपको क्वेश्चन भी शेयर करती हूँ और इसके साथ साथ मैं जो है अन्य हमारा 1 से 30 तक सीरीज है वहां पे मैं क्वेश्चन बना करके आपको दी हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।